अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स होप यू आर ऑल फाइन देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा डिस्कस किया और वहाँ एक बेसिस थी क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन और जब हमने न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन डिस्कस की तो वहाँ हमने कहा कि जब कोई भी फिना फिना मिना डिफरेंट वैल्यूज़ एजूम करता है तो उसे हम वेरिएबल कहते हैं स्टैटिस्टिक्स में और ये भी आप जान गए कि जो क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन है इसे क्लासिफिकेशन बाय वेरिएबल्स कहा जाता है अब ये वेरिएबल क्या होता है चलिए आज हम कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल की तरफ आते देखिए कैरेक्टरिस्टिक और ए फिनिना विच इज कैपेबल ऑफ बींग मेजर्ड एंड चेंज इट्स वैल्यू ओवर टाइम इज कॉल्ड अ वेरेबल कोई भी फिनमिना में, में कोई भी करेक्टर जिसको हम नेजर करते हैं और जिसका वैल्यू चेंज होता है ओवर अ टाइम जैसे वेट है हाइट है ये वेरेबल्स है दस वी कैन से अ वेरेबल रेफर टू दैट क्वान्टिटी विच इज सब्जेक्ट टू चेंज विच इज सब्जेक्ट टू चेंज एंड विच कैन बी मेजर्ड बाई सम यूनिट जैसे वेट को हम किलोग्राम्स में मेजर करते हाइट को हम सेंटीमीटर्स में मेजर करते ठीक तो अगर हम वेट की बात करें इफ यू मेजर द वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ यूअर क्लास देन दिल बी कॉल्ड अ वेरिएबल ठीक क्योंकि आपकी जो आपका जो वेट है इट चेंजेस इट्स वैल्यू ओवर टाइम और जो वेरिएबल होता है ये दो फॉर्म जूम करता है ये भी हो सकता है और कंटिन्यूस भी हो सकता है देखिए जो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है ये वो वेरिएबल्स होते हैं दैट इंक्रीज इन जंप्स आर इन कंप्लीट नंबर्स मिसाल के तौर पे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास अलेवन कुड बी वन टू थ्री टेन अलेवन फिफ्टीन ट्वेंटी एटसेट्रा ये नंबर्स वन बाई टू नहीं हो सकता है वन इज वन बाई टू नहीं हो सकता है वन इज वन बाई फोर नहीं हो सकता है बाई टू नहीं हो सकता क्योंकि ये फ्रैक्शंस है fractions. ठीक है ना इन अदर वर्ड्स वी कैन से डिस्क्रीट वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट नंबर लाइक वन टू थ्री फोर फाइव आर वी मे सिंपली से दैट वैल्यूज ऑफ दीज वेरिएबल्स आर इन कंप्लीट नंबर एंड नॉट इन फ्रैक्शंस आप समझ रहे हैं एक और कैटेगरी ऑफ वेरियबल हमारे पास है दैट कंटिन्यूस वेरिएबल देखिये वेरिएबल दैट ऑफ वैल्यूज रेंज ऑफ वैल्यूज आर इनक्रीज नॉट इन जम्पस बट कंटिन्यूसली आर इन फ्रैक्शन फ्रैक्शन में हों जो कंप्लीट नंबर न हो ऐसे वेरिएबल्स को हम कंटिन्यूस वेरिएबल्स कहते हैं जैसे हाइट ऑफ बॉयज़ इन योर स्कूल आर यूर क्लास कैन बी एक्सप्रेस एज फाइव फीट वन इंच और फाइव फीट टू इंच और फाइव फीट थ्री इंच एंड सो ऑन ठीक तो इन शॉर्ट हम कहेंगे वाइल्ड वैल्यूज ऑफ डिस्क्रीट वेरेबल्स आर इन कंप्लीट नंबर्स लाइक वन टू थ्री फोर फाइव जो वैल्यूज ऑफ कंटिन्यूस वेरेबल्स होते ये फ्रैक्शन में होते और ये कोई रेंज एज्यूम करते हैं जैसे टेन टू फिफ्टीन फिफ्टीन टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू थर्टी सपोज दीज आर द मार्क्स टू स्टूडेंट्स हैव मार्क्स बिटवीन गाट टू 20 थर्टीटी टू फिटी एंड टी टू थर्टी मार्क्स ये रेंज पचास स्टूडेंट्स का तो ऐसी सीरीज को हम डिस्क्रीट सीरीज कहते सॉरी कंटीन्यू सीरीज के, तो यहाँ जो प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीबल है यानी डिस्क्रीट वेरेबल और कंटिन्यूस वेरिएबल में जो प्रिंसिपल डिफरेंस है वो ये है कि जो डिस्क्रीट वेरिएबल्स है ये एज्यूम करते हैं कंप्लीट नंबर्स कंप्लीट वैल्यूज लाइक वन टू थ्री फोर आर टू फोर सिक्स एट जो कंटिन्यूस होते हैं दे एजूम फ्रैक्शंस लाइक टू पॉइंट फोर फोर पॉइंट सिक्स सिक्स पॉइंट एट और वैल्यूज़ इन रेंज टेन इज टू फिफ्टीन फिफ्टीन इज टू ट्वेंटी इज टू थ्री राइट तो दो चीजें हैं एक्चुअली एक वेरेबल होता है दूसरा एट्रीब्यूट होता है आपको डिफ्रेंस मालूम होना चाहिए बिटवीन अ वेरेबल एंड एन एट्रीब्यूट ऑर्डनिंग एनीथिंग दैट वेरीज आर चेंजेस कोई चीज अगर वैल्यू चेंज होता है या वेरी होता है ओवर टाइम इसे हम वेरिएबल लेते हैं लेकिन स्टैटिस्टिक्स में बट नॉट इन स्टैटिस्टिक्स जैसे कलर ऑफ योर हेयर में चेंज ओवर टाइम आप समझ रहे हैं इज इट अ वेरिएबल आपके बालों का कलर चेंज होता है टाइम के साथ क्या ये वेरिएबल है नॉट एट ऑल क्यों बिकॉज दिस चेंज के नॉट बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस इसे हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन स्टेटिस्टिक्स ऑनली दैट चेंज ऑफ इन ऑब्जेक्ट इज टेकन एज अ वेरिएबल विच कैन बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस फॉर एग्जाम्पल एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेंथ इन द ईयर 2015 was found to be 5.6 inch compared to 5.5 इंच in the previous year that's इंच इन द प्रिवियस ईयर दैट टू थाउजेंड में इनकी एवरेज जो हाइट थी 5 फुट छः इंच थी जबकि 14 में पाँच फुट पाँच इंच थी ये एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है जो क्वालटेटिव चेंजेस जैसे चेंज इन आईक्यू होता है आई क्यू लेवल ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास टेंथ यह एट्रीब्यूट है और जब एट्रीब्यूट चेंज होता है इट्स ऑनली क्वालेटिव एक्सप्रेसड एज गुड एक्सेलेंट आर आउटस्टैंडिंग ठीक क्वालिटेटिव चेंज कैन एट बेस्ट बी रैंक यानी कि हम रैंकिंग कर सकते हैं जैसे वन टू थ्री वायर वन स्टैंड फॉर आउट स्टैंडिंग टू स्टैंड फर एक्सलेंट थ्री स्टैंड फॉर गुड समझ गए तो यहाँ आप जान गए कि वेरिएबल और एट्रीब्यूट में क्या फर्क होता है तो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था वेरिएबल का आई थिंक यू हैव इट अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ रबता कीजिए आई एम एट यूर डिस्पोजल एवरी टाइम यू कैन कॉल मी यू कैन व्हाट्सएप मी राइट जूम के ज़रिए भी आप मेरे साथ रूबरू हो सकते हैं तो आज के लिए इतना काफ़ी है कल हम फिर से रॉ डाटा की तरफ आते हैं और रॉ डाटा का कन्वर्जन कैसे होता है वहाँ भी हमें वेरेबल्स की ज़रूरत पड़ती है तो so, कैसे होगा इनशाला वी विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच हैव नाइस डे गॉड ब्लेस यू ऑल